सभी को वेलकम। आज हम पढ़ेंगे कोई एलपीएम सब्जेक्ट क्लास फर्स्ट ईयर। वो टॉपिक है आज हमारा कि विभिन्न पशुओं में गुण सूत्रों की संख्या। इससे पहले आपको या इससे पहली क्लास में आपको पढ़ाया था कि यौवन अवस्था क्या है, विभिन्न पशुओं में यौवन अवस्था की उम्र। तो आज हमारा नया टॉपिक है कि विभिन्न पशुओं में गुण सूत्रों की संख्या। टॉपिक डाल सकते हैं हम स्टार लगा के, विभिन्न पशुओं में गुण सूत्रों की संख्या। यह आपका टॉपिक है जिसमें कैटल गाय में गुण सूत्रों की संख्या 60 होती है। कितनी होती है कैटल में गुणसूत्रों की संख्या? 60 होती है कैटल में गुणसूत्रों की संख्या 60। इसी तरह बफेलो बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या 48 वे 50 होती है। तो बफेलो को दो भागों में बांटा गया है, एक दलदली क्षेत्र में और एक रिवर्स क्षेत्रों में। यानी रिवर्स यानी पानी में रहने वाली बफेलो और एक है दलदली यानी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली बफेलो। तो दोनों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग है, तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। दलदली बफेलो, दूसरा है रिवर्स बफेलो। दलदली क्षेत्र में रहने वाली बफेलो भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 48 और नदी क्षेत्र में रहने वाली बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या 50। इसी तरह अगला जानवर है सीप। सीप में गुणसूत्रों की संख्या 58, गोट में गुणसूत्रों की संख्या 60। इसी तरह सुअर में गुणसूत्रों की संख्या 38, यानी जो सुअर रहते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। तो प्रत्येक जानवर और पशु में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। इसी तरह अगला जानवर है आपका हॉर्स। हॉर्स में गुणसूत्रों की संख्या 64, कैमल में गुणसूत्रों की संख्या
चौहत्तर, डॉग में गुणसूत्रों की संख्या अठहत्तर, यानी जो सर्वाधिक जो गुणसूत्रों की संख्या होती है डॉग में होती है, यानी कुत्ता जो होता है उसके अंदर कहीं भी बाहरी शरीर पर घाव या कट लग जाता है तो उसको स्वतः ही गुणसूत्रों की अधिक संख्या होने के कारण वे अपना आप ही जीभ से चाटकर घाव को कई बार ठीक कर लेता है, क्योंकि उनमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है। इसी तरह एलिफेंट में गुणसूत्रों की संख्या 56, अगला जानवर है आपका ह्यूमन यानी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 23 का जोड़ा होता है, यानी एक्स एक्स और वाई वाई 23 प्लस 23, तो एक्स वाई का क्रॉस होने पर 46 गुणसूत्रों की संख्या उम्र में होती है। इसी तरह सभी जानवरों में जोड़े बनाए जाते हैं। तो ये आपके प्रत्येक पशु और जानवरों के गुणसूत्रों के संख्या है, जो यहां से कई बार किसी भी पशु और जानवरों को गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाती है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके टोटल विभिन्न पशुओं व जानवरों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग है। अब आपका अगला टॉपिक है स्ट्रेस व स्ट्रेस साइकिल, क्या है या किसे कहते हैं और विभिन्न पशुओं में स्ट्रेस साइकिल की उम्र भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस साइकिल क्या है। तो अपना टॉपिक है स्ट्रेस। जब पशु यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेता है तथा उसके सभी प्रजनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं और मादा पशु से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स सिग्रेसित हो जाते हैं मादा पशु
आंसू की तरफ आकर्षित हो जाती है, उसे ही हम स्ट्रेस अवस्था कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सीधी है, जब मादा पशु यौवन अवस्था प्राप्त कर लेती है तथा उसके सभी प्रजनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं, और प्रजनन अंगों से हार्मोन्सों का उत्पादन हो जाता है। तथा मादा पशु नर पशु के तरफ आकर्षित हो जाता है। उसे ही स्ट्रेस अवस्था कहते हैं, उसे ही स्ट्रेस अवस्था कहते हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली डेफिनेशन है स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल या कह सकते हैं मद चक्र इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सरल और सटीक तरीके से है। यानी इसमें एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है, एक ही शब्द का, कि दो मध चक्रों के बीच की अवधि को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। दो मध चक्र की बीच की अवधि को मध चक्र कहते हैं। अवधि को मध चक्र कहते हैं। सीधी डेफिनेशन है मध चक्र कह लो या स्ट्रेस साइकिल, यानी दो मध चक्रों के बीच की अवधि को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं।